Hello, good evening students. So already we have discussed solenoid. Now we will discuss uses of solenoid as electromagnets with its appropriate power. Means कि हमने solenoid के पहले पढ़ा कि solenoid क्या है. थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि solenoid क्या है. एक insulating copper wire wrapped on any cylindrical material and connected to the battery and current is passed to this current carrying coil, then it becomes a solenoid. And we can make a magnet, means when current is passed, then in one end there will be north pole and second end we can find out the south pole. And if we will reverse the polarity, again north south again can be found with alternate terminals. So here we will insert some सॉफ्ट आयरन इन साइड दिस कॉयल. ये जो आपको कॉयल दिख रही है उसके बीच में पहले हमने एक सिलेंड्रिकल कॉयल लिया था, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल ले लिया था, या हवा भी इसके बीच में, अगर एयर भी डाल देंगे देन इट इज ऑल्सो सोलिनॉइड. लेकिन अब हम इसमें सॉफ्ट आयरन बीच में इंसर्ट करेंगे और जितनी पावर हमें चाहिए मैग्नेट की उतनी हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ज्यादा करंट पास करेंगे तो ये स्ट्रांग मैग्नेट बनेगा, जब तक करंट पास करेंगे तब तक ये मैग्नेट रहेगा. हम करंट नहीं देंगे तो ये मैग्नेट नहीं रहेगा. इसका मतलब मैग्नेट तभी तक बनेगा जब तक हम इसमें करंट पास करेंगे. तो इसके काफी सारी यूजेज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले चलते हैं इस डायग्राम में. सो दिस इज अ बैटरी कनेक्टेड टू दिस वी कैन से सोलिनॉइड. एंड इनसाइड द सोलिनॉइड वी हैव इंसर्ट वन सॉफ्ट आयरन. सॉफ्ट आयरन इसलिए हमने इसमें इंसर्ट किया क्योंकि सॉफ्ट आयरन जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएगा और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. जितनी हमें पावर चाहिए उस हिसाब से हम इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं. जैसे इसके जो एक्चुअली सॉफ्ट आयरन ही क्यों लिया, तो आप अगर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, सपोज करिए मैंने छोटा सा पीस, कोई आयरन का छोटा सा पीस लिया और इसको अच्छे से पॉलिश करके उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप से इसको मेटलर्जिकल लैब में देखा, तो उसका जो अंदर स्ट्रक्चर था, इसको हम डोमेन बोलते हैं, जो रीजन है अंदर, इसके बीच में छोटे छोटे रीजन होंगे ऐसे करके, तो उसके अंदर जो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे डोमेन्स, इस अलग अलग डोमेन्स में, दिस इज फर्स्ट डोमेन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मीन छोटे छोटे जो रीजन हैं, तो उसमें ये जो मैग्नेटिक चार्ज बोल दो, इलेक्ट्रॉन बोल दो, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. उसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे तो ये सारे के सारे जो डोमेन है उसके अंदर, जो डोमेन के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं या मैग्नेटिक चार्ज हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मूव करेंगे. उसकी वजह से ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, और रिक्वायर्ड रेंज का हम मैग्नेट बना लेंगे. तो अब हमने इसमें इसके अंदर ये अपने सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट किया, तो सॉफ्ट आयरन को जैसे इंट्रोड्यूस किया इसमें और करंट पास कर दिया यहां से, जैसे हमने इस की को प्रेस किया, ऑन प्रेसिंग द की करंट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, मींस हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल. सो व्हाट विल हैपन, दिस सॉफ्ट आयरन गेट मैग्नेटाइज्ड एंड रिक्वायर्ड या एप्रोप्रिएट पावर इज प्रोड्यूस्ड. So, see its definition. An electromagnet is that which is easily magnetized on passing current through a solenoid. है ये solenoid ही, लेकिन इसके अंदर हमने soft iron डाल दिया, तो required या desired range का हम magnet तैयार कर सकते हैं. And easily demagnetize switching of the current. अगर इसको मैंने current को off कर दिया तो ये demagnetize हो जाएगा, जैसे electric bell में इसका use होता है, तो जब current pass करेगा तब ये मैग्नेट बन जाएगा, और जब करंट ऑफ कर दिया तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, तो इसका डिसऑर्डर हो जाएगा. ये जो आपके डोमेन्स के अंदर मैग्नेटिक चार्ज हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका रैंडमली वो मूव करेंगे, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा. सो ये तो हमने देख लिया कि ज्यादा करंट पास करेंगे तो ये मैग्नेट बन गया, अगर करंट को ऑफ कर दें तो वो डीमैग्नेटाइज होगा. दूसरी बात देखिए, टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वी टेक ए सोलिनॉइड सॉफ्ट आयरन बार एज कोर इनसाइड द सोलिनॉइड. मींस हमने एक सोलेनॉइड के अंदर एक हमने जो अभी बताया मैंने सॉफ्ट आयरन को रख दिया, ठीक है, और उसके बाद करंट पास करके ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो गया. ऑन पासिंग करंट
करंट आई थ्रू अ सोलेनोइड कॉइल द आयरन बार मैग्नेट आयरन बार इज मैग्नेटाइज मींस वही जो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे सॉफ्ट आयरन इसके बीच में है और करंट पास किया तो ये मैग्नेटाइज हो गया और तब तक के लिए मैग्नेटाइज रहा जब तक ये करंट पास करते रहे। जैसे एक क्लास में स्टूडेंट है तो तब तक पढ़ता रहा जब तक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है उसको, टीचर के डर के मारे वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, ठीक है। अगर टीचर क्लास में नहीं जाएगा तो वो ना पढ़ेगा ना उसको कुछ आएगा, अगर वो मींस पढ़ने वाला बच्चा नहीं है तो वो एक किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा वो, जब तक टीचर पढ़ाएगा पढ़ेगा, जब तक टीचर नहीं पढ़ाएगा नहीं पढ़ेगा, क्लियर। सो आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन है क्या। सॉफ्ट आयरन का मतलब कि इसको हम जल्दी मैग्नेटाइज कर सकें और डीमैग्नेटाइज कर सकें। इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट भी बोलते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं, इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट भी बोलते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, ये टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह हम कोबाल्ट डाल दें, निकल, हार्ड आयरन जैसे स्टील जिसको बोलते हैं, या एलोय कर दें, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, इसका कॉम्बिनेशन बना के इसके बीच में रखें तो वो हार्ड मैग्नेट बन जाएगा, मतलब वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, उसमें ज्यादा करंट पास करेंगे तो। क्योंकि वो एक तो हार्ड मैग्नेट कैसे बनते हैं, एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, उसको हम हार्डन करेंगे, उसके जो साइज होगा उसको हम स्क्वीज करेंगे और यहां पे हाईली एकदम से करंट देंगे, एकदम से इसको मैग्नेटाइज करेंगे मींस हीटअप करेंगे और उसके बाद एकदम से कूल कर देंगे उसको, तो वो स्ट्रक्चर उसका उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से वो हार्ड मैग्नेट बन जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम ले लिया, निकल ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, इनका एलॉय बना दिया, तो ऐसे या स्टील ले लिया, जैसे हार्ड हार्ड आयरन जो है, हार्ड वी कैन से जो आयरन है दैट इज स्टील, स्टील का एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे उसमें कार्बन कार्बन मिक्स हो गया, आयरन मिक्स हो गया, कार्बन और आयरन मिक्स करके एक स्टील बन गया, इस तरीके से प्रॉपर्टी उसकी चेंज होगी, तो उससे हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। तो हार्ड मैग्नेट जो है वो परमानेंट, उसकी जो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देर तक रहेगी, मैग्नेटाइज नहीं होगा, लेकिन सॉफ्ट आयरन में ये जल्दी से मैग्नेटाइज भी हो जाएगा और जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। तो हम इसका एग्जांपल स्टील दे सकते हैं, जो आपके पास परमानेंट मैग्नेट है उसका, ये टेम्परेरी मैग्नेट था, मैंने यहां पे लिख दिया परमानेंट मैग्नेट, तो इसका मैंने एग्जांपल स्टील लिख दिया, या एलॉय कोई भी ले लो आप, ये भी एलॉय ही है किस्म का। तो दिस वॉज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट और इसका जो यूज है माइक्रोफोन्स, टेलीफोन रिसीवर्स, इलेक्ट्रिक वेल्स, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस हैं आपके पास, टेलीविजन है, रेडियो है, सो वो एग्जांपल हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के एग्जांपल हो सकते हैं वो। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नाउ वी विल स्टडी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ सी द डायग्राम, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सो दिस इज अ, वी कैन से this is electrical circuit of this current carrying conductor. So you can see this is a iron stand, this is iron stand, you have seen in a chemistry lab. This is a just like a rod and it is connected to the wire, copper wire, insulated copper wire, and one conductor is placed here. We can say one conductor is placed here, AB rod. Again it is connected to the wire with the battery. Let us, this is a 6 volt battery, 1 breaker, ammeter, rheostat is connected. So what will happen? A force experienced by a current carrying conductor when kept perpendicular to the magnetic field. जब magnetic field में current carrying conductor को रखते हैं वो force experience करता है। जैसे किसी बच्चे को class में बैठाते हैं और वहाँ पे class teacher पढ़ा रहा है तो कुछ ना बच्चों सीखेगा। Similar example is there. अब देखिए, this is a C type magnet. Magnet are many types, bar magnets, rectangular magnet, that is known as, this is a C type horseshoe magnet. तो इसके बीच में हमने ऐसे कंडक्टर को रखा, मीन्स इसके इसका पॉजिटिव एंड मान लो आप, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव यहां से कनेक्ट हुआ ऐसे करके, उधर से नेगेटिव एंड कनेक्ट हुआ, जैसे ही इसमें करंट पास करेंगे ये मैग्नेट बन जाएगा। ऑलरेडी वी हैव सीन दैट व्हेन ए करंट कैरिंग वायर, व्हेन करंट इज पास टू द वायर इट बिहेव एज ए मैग्नेट। तो ये मैग्नेट बन गया और जैसे ये मैग्नेट बना तो क्या होगा, हमने यहां से
रियोस्टेट से रेजिस्टेंस को कम किया तो ज्यादा करंट फ्लो करने लगा, जब ज्यादा करंट फ्लो करने लगा तो ये मैग्नेट बन गया, एक नॉर्थ पोल बन गया, एक साउथ पोल बन गया। सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, व्हाट विल हैपन, नॉर्थ पोल विल रिपेल द नॉर्थ पोल। ये जो आपके पास होर्स मैग्नेट है, इसका जो नॉर्थ पोल है हम ऐसे रखेंगे, इस तरीके से डायग्राम हो गया, ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, रेक्टेंगुलर जो आपके पास कंडक्टर हुआ है इस तरीके से रखा हुआ है। तो जैसे ही इस रोड में या रेक्टेंगुलर रोड है इसमें जैसे ही करंट पास करेंगे मैग्नेट बनेगा, और जैसे ही ये मैग्नेट बनेगा नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, तो वो अंदर की साइड रिपेल होगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, देखिए आप नीचे से फ्रॉम बॉटम टू टॉप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जा रही है, कंडक्टर को ऐसे रखा हुआ, इट विल रिपेल टुवर्ड्स दिस साइड, मींस वो लेफ्ट साइड रिपेल करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और मैग्नेटिक, अब आप इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं, क्योंकि करंट के डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है आपके पास, तो मैं अपने हैंड, आई विल यूज माई लेफ्ट हैंड, दैट इज गिवन बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दैट इज नोन एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि जब आपने हाथ को आप स्ट्रेच करोगे लेफ्ट हैंड को, देन दिस थंब इंडिकेट्स द फोर्स, योर दिस फर्स्ट फिंगर वी कैन से इट इंडिकेट्स द फील्ड, एंड दिस इज द मिडल फिंगर, इट इंडिकेट्स द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस डायरेक्शन में जो चीज है वो हमें, वी डोंट नो द फोर्स, जो हमें पता नहीं है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, जिसका पता है उस डायरेक्शन में हम दो फिंगर्स को रखेंगे, दे ऑल द थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करे, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये एक वाला कंडक्टर, ऐसे जब हम इसको रखेंगे, अगर परपेंडिकुलरली रखेंगे, सपोज करिए जैसे देखो आप कि मान लो यहां से हवा आ रही है और आपने किसी चीज को इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस तरफ को ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एकदम से हवा का दबाव पड़ेगा। पानी का एग्जांपल ले लो आप, पानी बहुत हाई स्पीड में आ रहा है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज, और आप इस तरीके से स्विम कर रहे हैं उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोर्स आप एक्सपीरियंस करोगे कि पानी का ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, क्योंकि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। अगर जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप तैरना स्टार्ट करेंगे तो आपकी, आप फोर्स कम एक्सपीरियंस करेंगे, आराम से चल जाएंगे, बड़ी स्टेबल पोजिशन में होंगे आप। यहां देखिए, यहां पे बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको ऐसे डायग्राम दिख रही है, लेकिन ये ऐसे है, द शेप ऑफ द दिस मैग्नेट इज लाइक दिस। तो यहां पे ये रेक्टेंगुलर पीस रखा हुआ है, तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, तो ये लेफ्ट की साइड रिपेल करेगा, तो मैं अब वैसे जिस डायरेक्शन में ये रिपेल हो रहा है उस डायरेक्शन में रख देता हूं, जो करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट ऐसे रख दिया मैंने, देखिए आप करंट फ्रॉम, इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, तो मैंने अपने फिंगर को ऐसे रख दिया, फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, मैंने हाथ को ऐसे रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पता कि नीचे से ऊपर की तरफ चली, तो मैंने अपने हाथ को ऐसे रख दिया, दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच योर फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर इट इंडिकेट्स द फील्ड, एंड मिडल फिंगर इट इंडिकेट्स द करंट। यू सी योर हैंड, सी दिस डायग्राम, सो इट बट विल हैपन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि फोर्स उस तरफ को, मींस ये जो मैग्नेट है वो उस तरफ को डिफ्लेक्ट किया, ऑन रिवर्सिंग द पोलैरिटी, अगर पोलैरिटी रिवर्स कर दें आप तो वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन उस तरफ को होगी। अब करंट यहां से, अगर आप यहां पे नेगेटिव करते हैं यहां से पॉजिटिव, तो करंट क्या होगा आपके पास, अब करंट देखिए आप, पहले आपके पास करंट जो था इस डायरेक्शन से आ रहा था, ये देखिए ऐसे करके पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, लेफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अब मैंने यहां से पॉजिटिव कर दिया तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, तो वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन देगा। तो अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं, जो आपकी बुक में बनाया हुआ है, एक्टिविटी है ये, तो इसको इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड द कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स, जो कंडक्टर होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब देखिए होगा क्या इसमें, वी आई एल, फोर्स इज इक्वल टू वी आई एल, बी इज ए मैग्नेटिक फील्ड, बी इंडिकेटिंग हियर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, आई इंडिकेटिंग करंट, एंड एल इंडिकेटिंग लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड साइन थीटा मीन्स एट वट पोजिशन यू हैव प्लेस दिस
करंट कैरिंग कंडक्टर, कौन सी पोजीशन में आपने मैग्नेटिक जो कंडक्टर है उसको रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड में। अगर परपेंडिकुलरली लिखा है, सपोज करिए आपको मैं यहां पे, आप देखिए अगर मैं यहां पे एंगल 0 डिग्री लेता हूं, फिर 90 डिग्री ले लेता हूं, देन आई एम टेकिंग 180 डिग्री, थीटा इज 180 डिग्री। तो देखिए पहले 0 डिग्री होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो मैक्स आपको फोर्स 0 होगी, मतलब अगर जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है किसी कैनाल में, उसी डायरेक्शन में आप भी मूव कर रहे हैं, पैर स्विमिंग कर रहे हैं, देन फोर्स विल बी 0। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पर्सन स्विमिंग इन अ रिवर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग या वाटर फ्लोइंग, दैट फोर्स विल बी 0। लेकिन 90 डिग्री में परपेंडिकुलरली अगर पानी ऐसे जा रहा है और आप ऐसे स्विम कर रहे हैं, तो द पर्सन स्विमिंग इन दिस राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स फ्रॉम दिस डायग्राम, दैट इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इफ द कंडक्टर, इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड, देन ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर गेट्स रिवर्स्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड लास्ट पॉइंट वी कैन राइट हियर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर या द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज 0 व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर इज वी कैन से आइदर सेम और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो सेम हो या तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स इस डायरेक्शन से हो या ऑपोजिट ऑफ दिस विद द 180 डिग्री एंगल। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन एक्सप्लेन दिस दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई एल एंड साइन ऑफ थीटा। सो दिस वॉज अबाउट द फोर्स एक्सपीरियंस बाई करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।